बीच में हो जा, सेंटर में वहां हो जा। गवर्नमेंट कॉलेज पर वुमेन परेड की छात्रा हूँ मैं भी। जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे ये सारी लड़कियाँ ऐसे इस तरीके से, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे प्रिंसिपल कोई टीचर यहाँ पे कोई भी अभी तक आया नहीं है ये देखने कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने हमें ये भी लिख कर दिया है कि हम लोग इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है, तुम लोग मरो जियो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिमांड ये है कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स हों, और अगर ऑनलाइन एग्जाम को नहीं लेना चाहते हैं ठीक है, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लें। अगर हम लोगों को कोरोना हो जाता है, हम लोग मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा प्रिंसिपल लेगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लेगा। अभी आपकी डेट शीट का भी कोई इशू चल रहा है? डेट शीट का क्या? डेट शीट का इशू कुछ नहीं है, इशू तो एग्जाम का ही है ना, डेट शीट का कोई इशू नहीं है। डेट शीट तो जो है अब एग्जाम तो वैसे ही होने वाला है, या तो ये कैंसिल करें उस डेट शीट को, या तो हमारे ऑनलाइन लें, या तो हमारी मतलब हमें लिख के दे दे कि हमारी ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। ये जो लड़की है यहाँ पर लेट करके वाइट कपड़ों में, क्या दर्शाने की कोशिश? ये यही दर्शाने के लिए कर रहे हैं, सुबह से बैठे हैं, कोई आया नहीं है। इनके हिसाब से तो हम मरे हुए जिंदा एक ही हिसाब है, हमारी हेल्प नहीं कर रहा है वो। ठीक है, यही ये मतलब यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर उन्होंने हमें एक तरफ से मरा हुआ ही घोषित कर दिया है, वो तो एक बार भी बाहर देखने ये नहीं आए कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स बाहर है, क्यों है और किस हाल में है, तो ठीक है फिर मरे हुए से हमारा तो